भजन भजन करके हमें भजन नहीं आता जी, हम भजन में भजन नहीं बनता जी, ये नहीं बनता जी, सब शिकायत करते हैं हर एक आदमी। तो कबीर साहब की जुबानी आपको सुनाता हूँ कि भजन क्या है। साधो भजन भेद है न्यारा, ये साधो भजन भेद है न्यारा, माला मुद्रा के पहरे चंदन घसे लारा, साधो भजन भेद है न्यारा। मैंने आप समझे ना भाई, भजन भेद जो है वो और है, चंदन मत्थे पर लगा लिया, मारा हाथ में पकड़ के मारा फेर दी, वो कहते हैं ये भजन नहीं है। आगे मुड़ मुड़ाए सिर जटा रखाए, अंग लगाए छारा, का पानी पाहन के पूजे, कंद मूल हर हारा, साधो भजन भेद है न्यारा। इसको तो आप समझते हैं, व्रत रख रहे या कुछ हो मेरा बना लिया गणेश से, कुछ भजन भेद न्यारा है। आगे कहा नेम तीर्थ व्रत की ने, जो नहीं तो विचारा, साधो भजन भेद है न्यारा। कहते हैं जब तक तत्व का विचार नहीं है, तत्व कहते हैं सुपर मोस्ट एलिमेंट को, इसका दूसरा नाम अकाल पुरुष है, तीसरा नाम अनामी है, वो क्या है जब तक इसका विचार नहीं आता, भजन कोई फायदा नहीं करता। जिसे तुम भजन करते हो ये नहीं कि इसे नुकसान होता, कुछ ना कुछ फायदा होता मगर पूरा फायदा नहीं होता। ये है जो मैंने समझा, अब मुझको समझ कैसे आई। तो मैं एक दिन रात को जंगल में फिर रहा था, चांद की चाणी थी, बाजार फिरते थे, डरता नहीं था। जो साधु मुझे दुतारा बजाने वाला मिला, गैदारी उसकी पता नहीं वो था या मेरा ख्याल था, बैठ जाइए। तो उस वक्त मैंने उसे पूछा तो क्यों रोता है, मैं कहा मैं राम को मिलना चाहता हूँ, अपने पाप मेरे दूर हो जाए। उन्होंने कहा तेरे वास्ते आया हुआ है। फिर मैं इस तरीके से दाता दाते चरणों में 24 घंटे रोने के बाद एक दृष्ट सब ले गया, उन्होंने ये संत मत मुझे दे दिया। जब इनकी बानी पड़ी मैंने संत मत की, माया संवाद या कबीर की बानी, इनमें सब मतों का खंडन था। राम कृष्ण नहीं पहुंचा, देवी नहीं पहुंची, शिव ब्रह्मा नहीं पहुंचे, जैन नहीं पहुंचे, खुद नहीं पहुंचे, बैना नहीं पहुंचा, सिवाय संत मत के सबका खंडन था, वाणी में खंडन है सबका। उस वक्त मैंने प्रण किया था कि मैं इस रास्ते सच्चा होकर चलूंगा, जो कुछ मुझको हासिल होगा वो मैं बता जाऊंगा दुनिया को। एक तो मैं ये काम करने की यह कर, दूसरे दादा दाल ने मेरे जिम्मे 3 ड्यूटियां लगाई। तू तो आया नरदेही में धर्म की का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले या गुरु के देशा, 3 ताप से जीव दुखी है निवल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान देता है। एक ये था तू तो तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम देही, जब कल्याण जगत में आया परम दयाल से नहीं। तीसरा शब्द ये था रे प्रसाद, तू इराक से अब की आया सत्संग के कारण, रे प्रसाद ये सत्संग का होता पवनी तारण। तो पव क्या है, हमारे मन के ख्याल है, विचार है। भाव है क्या, हमारे मन के तरह तरह के ख्याल विचार भाव है, हम इसी में फंसे रहते हैं। तो इसे निकाला कैसे, मुझको तत्व विचार कैसे आया, सिर्फ आप लोगों ने रखो आदि मेरा ध्यान करते हैं,
मेरा रूप उनकी मदद करता है और मेरे बाप को बताइए अजीत सिंह तुमने मुझे बुलाया मैं अपनी आत्मा को सच्चा बना के जाना चाहता हूँ तुम्हारे पास आ गए थे गुरुवाई को मैंने क्या लेना मंदिर है जिसकी खुशी है चार पैसे दे दे जिसकी खुशी है चार पैसे ना दे दे मैंने कि ये कर्जा तो नहीं देना मैं जरूर मंदिर खोलूंगा या मेरे बाप का है मैं जमीन कर आया हूँ अपने घर की भी और मंदिर की भी कि मेरा या मेरे खून का कोई ताल्लुक इस मंदिर के साथ नहीं है मेरा और मेरे खून का जो मेरी औलाद हो मेरे भाई के बच्चे हो भाई हो वो सर्व कर सकते हैं ट्रस्ट यही बन सकते हैं तो तुमने मुझे बुलाया मैं तुमको सत्संग करना चाहता हूँ ये तो आ गया आपके नाम के सुनने के लिए तो कबीर कहता है जब ने तत्व बचाया तो मैंने तत्व क्या विचार किया क्या विचार किया तुम हैरान हो गए 325 औरतें मेरी जिंदगी में मेरे पास आई जिनकी औलाद नहीं मेरे पास से प्रसाद नहीं गई उनके पास औलाद उनमें से चार औरतें ऐसे आई जो 50-50 साल की उम्र की थी और उनको माहवारी नहीं आई बचपन से प्रसाद ले गई एक औरत में तो इतना विश्वास था वो डॉक्टरों का फैमिली अच्छी अमीर औरत थी अहमदाब की उसे आम मिलेगी मेरे पास डॉक्टरों को कहती है तू कहता है तेरे बच्चा नहीं होगा ये देखो मैं बाबा से बचा रही हूँ उसके सामने वो आम खा गई और उसके बच्चा हुआ उसका नाम मैंने श्री भगवान रखा आज वो 22-23 साल का है अब समझते हो ना मेरी अपनी लड़की है 25 साल चढ़ा खुद शादी किए हुए मुझे कोई औलाद नहीं हुई मैंने कई दफा उसको प्रसाद दिया अब मैं सोचता हूँ क्या मेरे प्रसाद ने उसको बनाया दूसरे की किस्मत या विश्वास बात मैं सच्ची कहता हूँ कोई झूठी बात नहीं कहता इट इज आइदर फेथ ऑफ ए मैन और फेथ ऑफ ए मैन या विश्वास है तुम्हारा आदमी का या उसकी किस्मत है मेरे गुरु महाराज थे कोई उनको ताया कहता था कोई चाचा कहता था कोई आलिजर समझता था कोई लिखारी समझता था मैं और समझता था जो कुछ मैं समझा मैंने हासिल किया जो कुछ उन्होंने समझा उन्होंने हासिल किया समझ गया मेरी बात को तो मैंने तत्व कैसे बजाया जब से मुझे पता लगा कि मैं तो कहीं कहीं जाता नहीं मैं तो कहीं जाता नहीं कौन जाता है उनके अंदर मालूम हुआ कि उनका अपना मन है उनका अपना विश्वास है वो जाता है तो अब मैं क्या करता हूँ क्योंकि मुझे अपने घर की तरह थी तो मैं मन को छोड़ जाता हूँ जब अभ्यास में जाता हूँ रूप रंग रेखा सब छोड़ जाता हूँ न गुरु का रूप है न कुछ है न कुछ है सिर्फ शब्द और प्रकाश रहता है जब शब्द और प्रकाश को जो चीज मेरे अंदर है वो सुनती है और देखती है वो और चीज है शब्द और चीज है प्रकाश और चीज है तुम अपने अंदर शब्द सुनते हो तुम और हो और शब्द और है आप समझ रहे मेरी बात को नहीं तुम अपने अंदर सूरज देखते हो चांद देखते हो रोशनी देखते हो रोशनी और है देखने वाला और है जब कभी उसकी तलाश करता हूँ तो वो कौन चीज है जो देखती है तो चिराग बोल पकड़ी गायब मैं नहीं रहता और यही बात विशाख जेठ महीने में स्वामी जी ने कही है क्या कहा है नहीं खालिक मखलूक न हरकत कारण कारज नहीं हुआ दिक्कत राम रहीम करीम न केचो अल्लाह रसूल खुदा न होते पीर मरीज न दादा पोते जो कुछ था तो अब कह भाखूं उन्मन दशा विस्मादि राखूं हैरत 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 होई हैरत नाम धरा सोई तो उसमें लिखते हैं कि फिर तुम उस जगह को पहुंचेंगे क्या करो फिर ये अभ्यास है फिर आखिर में क्या होता है जहां हम पहुंचते हैं ना वहां सतलोक ना सतनाम ना नाम ना अनामी यह है वाणी यह है वाणी जेठ महीने की सार्वजन निधम में जहाँ हमने जाना है वहाँ क्या है नहीं वहाँ सतनाम ना नाम ना अनामी अब मैं सोचता हूँ
कि जब मैं ही नहीं वहां रहता क्या हो जाता मुझे खामोशी एक हालत होती है जहां ना मैं है ना तू है ना मां ईश्वर है ना परमेश्वर का ख्याल है ना मन है ना चित्त है ना अहंकार ऐसी बात बाबा सावन सिंह कहते थे जिसमें द्वारे लिंगो करके मैं रोता दुनिया ने यह समझा कि दस द्वारे के आगे बाबा सावन सिंह बड़ी सुंदरदारी वाले बैठे है ये बिल्कुल गलत है आगे तुम्हारी अपनी जात है हरजीत सिंह मैं तुमको धोखा नहीं देना चाहता बिल्कुल जो मैंने समझा वो तुमको बताना चाहता और बानी खावा यही बात इसने कही है कबीर ने सखिया वहां घर सबसे ज्यादा जहां पूर्ण पुरुष हमारा किसी बाई में निकाल इसको यहां पाल रहा हूं अच्छा होगा सखिया वहां घर सबसे न्यारा जहां पूर्ण पुरुष हमारा आज बाणी है आज घर आज धाम का जिक्र है कबीर साहब ने कहा है हम लोगों को कोई सच्ची बात नहीं बताता और उनका कसूर कोई कसूर हम लोगों का हम लोग सच्चाई सुनने के लिए जाते नहीं हम लोग तो अपनी दुनिया की ख्वाहिश के लिए जाते हैं मेरे पास कितने आदमी आते हैं और तुम्हारी स्त्री है वो बच्चा चाहती है लड़का नहीं है दूसरे आदमी है उनके पास ये नहीं है ठीक ना हाँ जी पढ़ो सखिया वागर सब से न्यारा सखिया वागर सब से न्यारा न पूर्ण पुरुष मारा वागर सब से न्यारा जने सुख दुख सच झूठ नहीं पाप न पुण्य पसारा नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज बिना ज्योति उजियारा सखिया वह घर सब से न्यारा अब देख लो ये शब्द क्या कहे जहाँ हमारा असली घर है जिस मालिक को हम ढूंढते हैं मैं बगीचा जिस राम की तलाश में सारी उम्र खोज कर जब मर गया वो कबीर क्या कहता है उसकी समझ मुझको आप सत्संगियों से आई और जब मैं ये नहीं समझ सकता था तो मैं दादा को तंग किया करता था तुम लोग आते हो मेरे पास मांगने के लिए मैं जाता था गुरु के पास सब कुछ देने के लिए सोने के तार चांदी के हुक्के माल जरीदार कपड़े चंदन के सिंहासन ये बना करके मैं ले जाया करता था बगदाद से जब मैं बगदाद में था हम लोग जाते हैं गुरु के पास मांगते हैं ये चीज चाहिए ये चीज चाहिए ये चीज चाहिए मैं जाता था सबको देने के लिए मगर बात समझ में नहीं आती थी उन्होंने कहा था फकीर तुम में झंझरे ऐप हो सकते एक सच्चाई है मेरा हुक्म मानो तुमको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में दर्शन देगा मैं तो इस उम्र में आप लोगों को अपना गुरु मानता हूँ सच्ची बात आपको कह रहा हूँ इसमें कोई झूठ नहीं क्योंकि आप लोगों के तजर्बे ने मुझे यहाँ पहुँचाया अगर ये मुझे मालूम न होता कि सच्चाई क्या है आज मैं शख्स पहला होता जो संत मत के बरखड़ा आवाज दे जाता कौन आदमी है जो अपने बुजुर्गों की कोई खंजर सुन सकता है दत्तात्रेय को हम पूछते हैं कबीर दत्तात्रेय का वो भी नहीं पहुंचा रामकृष्ण काल के अवतार जैन नहीं पहुंचे मैं हैरान था मैं किधर फंस गया रोया करता था तो अब मैं समझता हूँ कि बात क्या है तो वो कहते थे किया वो घर सबसे न्यारा है आगे नहीं ता ज्ञान ध्यान नहीं जप तप वेद कदेव न बाणी
करनी धरनी रहनी गहनी ये सब हैरानी सखिया वाघर सबसे न्यारा आगे धर नहीं अधर न बाहर भीतर पिंड ब्रह्मंड कछु नाही पांच तत्व गुण तीन नहीं ते साखी शब्द न ताई वहां शब्द भी नहीं है अनाम गति है अकार गति है गुरुवार साहब की वाणी को सिखो ने कहा समझा मैं कई सिख बुजुर्ग आते हैं मेरे पास अकाली भी आते हैं उनको पूछो एक बात का जवाब दो कहने क्या मैं कहा तुमने तो गुरु नानक साहब की बदनामी कर दी कहने क्या जी मैं क्या बोलो मैंने लिखा भाई सात संगत जब से हम पाई बिछड़ गई सब सात बढ़ाई न कोई बैरी न कोई मीत हमारा हमारी सब ना संग बानी आई तो तुझी साझा ना दुश्मनी कर दियो तुझी गुरु नानक साहब को बदनामी कर दे तो की कर दियो संत किसी एक फिरके के नहीं है अगर ये कहा जाए गुरु नानक साहब सिर्फ सिखों का है ये गलती है वो तमाम दुनिया का है आगे फूल न फूल बेल नहीं बीजा बिना वृक्ष फल सोहे ओंग सोंग अर्द उर्द नहीं श्वास लेख न को है सखिया वाघर सबसे न्यारा नहीं गुण निर्गुण नहीं सरगुण भाई नहीं सूक्ष्म स्थूलम नहीं अक्षर नहीं अवगत भाई ये सब जग के भूलम सखिया वाघर सबसे न्यारा जहाँ पुरुष तहवा कछु नाही कहे कबीर हम जाना हमरी सेन लखे जो कोई पावे पद निर्वाण सखिया वाघर सबसे न्यारा अब मैं किसी दीजिए पर पहुंचा मैं कभी जब मुझे पता लग गया कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता नहीं समझ में आई तो मैं मन को छोड़ जाता आगे रह गया प्रकाश या शब्द कभी दूसरे मिले कभी तीसरे मिले कभी तीसरे दिन जब कभी मैं उस चीज की तलाश करता हूँ जो शब्द को सुनती है तो मैं नहीं रहता बाकी क्या रह जाता कुछ है अब मैं सोचता हूँ कि अगर वहां पहुंच कर मैं कुछ बन गया हूँ मैं कुछ कर सकता हूँ ये छोड़कर जो मुसीबत दुनिया में आई है इसको दूर कर सकूं या ये पीछे बुजुर्ग बुजुर्ग जो है अपनी तकलीफ को दूर कर सकते बाबा साहब सिंह अपनी तकलीफ को दूर कर सकते स्वामी जी अपनी बीमारी को दूर कर सकते कबीर साहब को 10 साल तक दर्द गुर्दा रहा पिछली उम्र में तो मैंने क्या समझा तत्व तो विचार क्या है मैं कौन हूँ मैं एक जिंदगी में क्या तन सुपर मोस्ट कॉन्शियसनेस का बुलबुला सुपर मोस्ट कॉन्शियसनेस का एक बुलबुला हूँ एवोल्यूशन के सिलसिले में मैं प्रकट हो गया बन गया तुम भी प्रकट हो गए ना मैं पहले था ना मैं फिर रहूंगा एक तत्व रह जाएगा जिसमें से मेरा बुलबुला बना है वो तत्व है शब्द उसका नाम है नाम वो नहीं जो घंटा संख है वो नाम वो नहीं जो बीज बजती है वो है साल शब्द ये संतों की वाणी में साल शब्द का जिक्र तो मैं यहाँ पहुंच कर मुझे हुआ क्या मुझे मिला क्या शांति मिल गई मुझे इसी उम्र 94 साल में क्या मेरा था जिससे तुमको सच्ची बात कहता हूँ
क्या मिला? ये जो लोग मेरे मुताबिक कहते हैं मुझे तो कुछ पता नहीं। जब मैं लड़के देने वाला होता तो राव को लड़का हो गया तो मेरी लड़की के भी लड़का हो जाता। ये विश्वास का काम है। देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, तुम सुन सकते हो। तुम रात को सो जाते हो, सपने में तुमको गुस्सा आता है, किसी को मुक्का मारते हो, तुम्हारा हाथ हिल जाता है, किसी को ठुड्डा मारते हो, पांव जरा हिल जाता है। अच्छा कोई खौफनाक सीन देखते हो, क्या होता है? तुम डर जाते हो, बड़बड़ाते हो, जुबान हिलती है। औरतों का मुझे पता नहीं, तुम मर्द हो। सपने में जवान आदमी एक ख्याली औरत बना लेता है दिमाग के अंदर, उसका बीज निकल जाता है। सपने का ख्याल तुम्हारे बस में नहीं है, तुमने आप नहीं किया, वो पुराने संस्कार हैं। जब उस पुराने संस्कार का सजेशन उसके सपने में आने से तुम्हारे जिस्म पर असर पड़ता है, जब तुम जागते हो जो कुछ तुम सोचते हो, किसी के बरखिलाफ, किसी के भरा, नेकी बदी, धोखा फेर, 420 एरा फेरी, क्या उसका असर तुम्हारे जिस्म पर नहीं होगा? कहाँ जाओगे? सोचो मेरी बात, तुम कहाँ जाओगे? जब सपने का ख्याल तुम्हारे जिस्म पर असर करता है तो जागृत में जो कुछ तुम सोचते हो, काम करते हो, विचार करते हो, दुश्मनी करते हो या प्रेम करते हो, इसलिए मैंने तालीम को बदल दिया। हमेशा औरतें मेरे पास आ, मैं कहता हूँ घर में शांति रखो, प्रेम से रहो, हक हलाल की कमाई खाओ, बाप बेटे में प्रेम रहे, भाइयों में प्रेम रहे, अगर नहीं बनती है अलग हो जाओ, बजाय इसकी कोल्ड वार हारों के दिल में कुछ किए। तो मैंने तैसे विचार ही एक जो वो किया और एक दुनिया के काम में ये तैसे विचार किया। तो दुनिया में रहता हुआ सबका भला चाहता हूँ, सत्संगी लोग आते हैं सबसे गुड विजिट देता हूँ, यही कुछ करे, क्योंकि ख्याल में ताकत है, दूसरे की विश्वास होता है उसका काम पूरा हो जाता है। एक और बात बताता हूँ, देखो जो जिसका ध्यान करता है, जो उसकी सिफतें होती हैं, जो कुछ उसके अंदर होता है वो दूसरे आदमी का उसके ध्यान करने वाली को आप पूछो मैं क्यों कहता। 1965 में दिल्ली में इराक में एक मंगल है, मेरा दोस्त था, उसका लड़का, उसकी बीवी रहती, उसके उन्होंने एक मकान लिया सस्ते किराए पर, जहाँ लोगों ने कहा कि यहाँ भूत रहता है। वो कहेंगे हम तो राधा स्वामी है, हमको भूत क्या कहता है। उन्होंने मकान ले लिया, मगर दिल में चोर था, उसकी और रोटियां पका रही, उसने मुझको याद किया। वो कहता बाबा जी अब मैंने आपको देखा, उसकी औरत ने चिट्ठी लिखी अपने खाउन को बोला। वो कहता है बाबा आया है यहाँ, वो कहता है मेरी औरत मर गई। उसने अपने खाउन को कहा, उसके खाउन ने अपने बाप को मंगल सैन को मुल्लापुर में जंदे के जिले में लिखा, मुल्लापुर वाले ने मुझको लिखा। मैंने कहा हाँ भाई मेरी औरत मर गई। अब वो क्यों, किसे कहा उसको उसकी औरत मर गई? मैं तो गया नहीं, न मुझे पता है, क्योंकि उसने मेरा ख्याल किया। मेरे अंदर में क्या था कि मेरी औरत मरी हुई है। वो लाभ रेडिएशन ने उसको बताया, समझो। इसलिए जो शख्स गुरु बन के काम करता है, तुम सत्संग कराते हो, अगर तुम खुद आमिर नहीं हो, जो शख्स तुम्हारा ध्यान करेगा, जो कुछ तुम्हारे अंदर है वो उसमें जाएगा।
गुरु बन के काम करना एक महान जिम्मेवारी का काम है। और मैंने आपको बता दिया भाई, मैं तो गया नहीं, ना मैंने चिट्ठी लिखी, क्योंकि मेरे अपने दिल में ख्याल था कि मेरी आज मरी हुई है, नहीं समझ में आई क्या कर्म हुआ जो कोई लड़के करते हैं हो रहा था। तो उस औरत को ने मेरा ध्यान किया, उसके ख्याल मेरे तक पहुंचा, उस औरत का ही इराक में, और मेरा ख्याल उस तक पहुंचा, मेरी शक्ल बनाकर उसने उसको कहा मेरी औरत मर गई। ये मेरी जिंदगी के अपने तजुर्बात है हरजीत सिंह, मैं तुमको सत्संग कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा ये जो वहम है, इतने रुपया तुमने खर्च किया यहाँ से वहाँ तक, यानी दिल्ली से लंदन तक, लंदन से दिल्ली तक, मैं इस बात को महसूस करता आई वॉन्ट टू डिस्चार्ज माई ड्यूटी ईमानदारी से और धर्म के लिए से अपना फर्ज जो गुरु का है वो पूरा कर देता हूँ। तो कबीर ठीक कहता है कि भजन भेद क्या है, तत्व का विचार ना, मगर ये तत्व का विचार जल्दी नहीं आता। दुनिया के मन के अंतर मालिक की तराश तो बड़ा नाम, दुनिया की आशाओं के लिए लोग याद करती है, ए राम मेनु पुत्र दे दे, ए राम मेनु धन दे दे, ए राम मेनु ये कर दे, वो तो ये मांगते हैं। तो ऐसे आदमियों के लिए ये संत मत नहीं है, ऐसे आदमी के लिए है वेद मार्ग। शिव संकल्पम अस्तु, अपने घर में रहते हुए स्त्री पुरुष प्रेम से रहो, औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा करो। आजकल जितनी औलाद पैदा हो रही है ये सब खुदराव है, खुदराव औलाद जानते हो ना। हम लोग शराब पी लेते हैं अपने मजे के लिए, औरतों के पास जाते हैं, बच्चे पेट में आ जाते हैं, तो फिर उनसे ये उम्मीद करो कि वो बच्चे जो हैं वो तुम्हारे ताबेदारी करेंगे या कुछ दुनिया के काम आएंगे। नहीं, मैंने अपने मंदिर पर मोटर लगाया हुआ है, मदर्स आर द मेकर्स ऑफ द नेशन एंड नॉट द लीडर्स। लीडर अगर दुनिया को बना सकते होते तो महात्मा गांधी बना जाता। आप समझ के मेरा मतलब नहीं, मैंने क्या कहा है आपको, माताएं हैं जो नेशन को बनाती हैं। तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे विचार, जब बच्चा पेट में होता है जिस किस्म के विचार, जिस किस्म के ख्याल औरत रखती है, उसका असर बच्चे पर जाता है। क्या नाम है, पुराणों की कहानी में अभिमन्यु की बाबत जिक्र है कि नहीं है, कि अभिमन्यु जब अर्जुन की माँ के पेट में था द्रौपदी में, तो वो चक्रव्यूह का जिक्र कर रहा था, तो उसने चक्कर भेजा, मगर जब उसने चक्कर निकालने का जिक्र किया वो सो गए। तो वो 12 साल की उम्र में अभिमन्यु ने चक्कर भेजा लड़ाई के मैदान में, मगर मर गया। अकबर बादशाह हुमायूं की औरत के पेट में था, हुमायूं पागा फिरता था दुश्मनों से जंगल में, तो अचानक वो गया तो बेगम बैठी हुई थी, नक्शा बना रही थी। उन्हें क्या, बेगम क्या करती है, कि मैं सोच रही हूँ मेरा लड़का जो होगा इतने मुल्क का बादशाह होगा, ये तो चाहत है ना, मेरा अपने बाप से, मैं सिपाही का लड़का, मेरा बाप रेलवे पुलिस में कंस्टेबल था, 12 रुपये तनख्वाह देता था। 12 साल तक मेरे बाप के शादी के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो मेरी माँ मुझे कहा करती थी, बच्चा मैं स्टेशनों पर रहती थी, तो स्टेशन मास्टरों को देखती थी, कपड़े सफेद पाए हुए, वर्दी पहनी हुई चलिया हिलाते थे, डीजीएस की गाड़ी करती थी, ट्रक मरी की गाड़ी करती थी, तो मैं भी सोचती थी कि मेरी भी कोई औलाद हो वो स्टेशन मास्टर बने गाड़ी करे। उस मेरी माँ के जो ख्याल थे उसने मुझको स्टेशन मास्टर बना दिया, मेरे भाई को ट्रैफिक मैनेजर बना दिया। मैं आपको सत्संग करा रहा हूँ, आप लोगों को पूर्व प्रसंग बात नहीं कहता, ना कहता हूँ गीता ये कहती है, क्या कहूँ गीता की बाबत। गीता कहती है 18 अध्याय अर्जुन ने कृष्ण के मुंह से सुने,
ठीक है महागीता के लिखने वाला वेद व्यास महाभारत के लिखने वाला वेद व्यास ठीक है या नहीं महाभारत में तो लिखा हुआ है पांचों पांडवों और पांचों सारे कौरवों नरक में गए गए या नहीं गए मैं ये नहीं जानता किताब में लिखा हुआ महाभारत में अगर अर्जुन 18 अध्याय किसी के मुंह से सुनकर भी नरक में जा सकता है तो तुम नरक गीता पढ़ो जब तक तुम्हारा अमल नहीं है क्या बनेगा बात मैंने आपको बिल्कुल सच्ची बात कही इसमें कोई झूठ नहीं अमली होने मेरे सिर्फ किताबों के ग्रंथ आपको पढ़ लिया सार बचन लगन पढ़ ली कुरान शरीफ पढ़ लिया या अंजील पढ़ ली या बाइबल पढ़ ली तुमने अमल नहीं किया तुमको क्या फायदा ये बताओ मैं यहाँ अमेरिका गया मैं हैरान होता हूँ कोई गुप्ता है कोई शर्मा है कोई वर्मा है कोई कोई है सभी बीफ खाते हैं मैं उनको हंसा करता हूँ कि तुमको हिंदू कौन ब्राह्मण कहता है तुम इंसान हो कि हैवान हो कौन हो तुम तुमको इतनी भी शर्म नहीं आती कि तुम हिंदुस्तान के होकर के बीफ खाते हो मांस खाते हो खाए खाओ पर तुम ये बताओ कि तुम बीफ क्यों खाते हो किसी के पास कोई जवाब नहीं इंसान का दिमाग खराब हुआ हुआ है इंसान सोच रहे कि उनका क्या कसूर माए जिम्मेवार है जिस किस्म के ख्यालात माँ के हैं जब बच्चा पेट में है वैसे हालात पैदा होते हैं यह है तत्व का विचार मैं आपको बता रहा हूँ तत्व विचार का नाम बताता हूँ क्या है मैं आपको एक अपना वाक्य सुनाता हूँ जो चश्म जी है मेरा मेरे साथ एक सरदार दिलीप सिंह होता था UDC फिरोजपुर में उसकी औरत थी उस औरत में यह नुक्स था आप हैरान होंगे पर खत्म आया मेरी ठंडी पीट हुंदी है मेरा सिर दुखता है आज मैंने बुखार हो गया थी बेचारा आता दिलीप सिंह आप आटा गूंदता रोटी तो खाता उसको दुख रहता जब वो चला जाता था फिर को मेरी वाइफ मुझे कहा करी पीजे से खंड कड़ा बनाती खीर बनाती खूब खाती उसका एक लड़का था बड़ा सुंदर मैंने देखा तो एक 3 आदमी थे एक मकान में रहने वाले एक मूल राज था एक मैं था एक दिलीप सिंह था दो दो कमरे एक एक बड़ा बड़ा कमरा एक एक के पास था तो मैं शाम को बैठा हुआ मूल राज मेरे पास था मैं उस औरत के हालात को जानता था तो मैं हुक्का पिया था मैंने कहा मूल राज एक बात कहूँ मैं क्यों मैं कहता औरत का जो भतीजा है वो ठीक है इसको सुधा मेरी क्या बात आई चली दिवाली आई लड़के को ढूंढनी हो गया मर गया दिवाली वाले दिन तो जब उठ के लड़के को ले जाएगा दरिया में डूबने के लिए तो मूल राज ने उसे ठा मारी तो मूल राज ने कहा यार कम ठा मारना तेरे बाबे ये जाने क्या किया तेरे लड़का मर जाएगा वो जब मुड़ के आया उनको तो मेरे पास आया दिलीप सिंह कहते पढ़े जी आपने कैसे कहा मैंने उसको सारा हाल बता दिया मैंने तुम्हारी औरत का ये वजीर है इसको सुधा में नहीं चाहिए फिर उसकी लड़की हुई मैं आपको तत्व विचार बता रहा हूँ फिर उसकी लड़की हुई वो 21 दिन तक रोती रही आखिर उसकी औरत ने कहा तो बातें तो इलाज बताए वो मेरे पास आया दिलीप सिंह कहना लड़की को आया मैं कहा डॉक्टरों को दिखाओ कोई बीमारी तो नहीं क्योंकि ये 5 डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ बच्चों कहते हैं इसको कोई बीमारी नहीं मैंने कहा तो गुस्सा नहीं करोगे कहने का नहीं मैं कहा 2 बातें हैं जिस औरत ने इसको पहले हाथ लगाया लड़की को वो रोती होगी क्योंकि तुम्हारी माँ की और तुम्हारी सास की आपस में बनती नहीं है मैं शर्म का मारा कहता हूँ तुम जांच करो या किसी वक्त तुम्हारी औरत घर में रोती हुई हो तो तुमने उसके साथ संयोग किया हो
तो ये लड़की पेट में आई हो या ये होगा, प्रयास करो, पता ये लगा कि जो दाई उन्होंने मुकर की हुई थी, हम दोनों दफ्तर में थे, एक ही दफ्तर में काम करते थे, जिनको एक बजे औरत के लड़का बच्चा पैदा होना था, तो जो दाई आई उस वक्त उसका दो दिन पहले भाई सक्का मर गया था, वो छापे बैठी हुई थी, तो जब पीछे से आई वो रोती हुई आई, उसने हाथ लगाया लड़की को, लड़की रोती थी, मेरे पास आए, मैंने कहा फूल ले आओ, फूल ले आए, मैंने राधा स्वामी नाम लिया, गुरु का ध्यान किया, उसको दे दिया, मैं कह 24 घंटे इसके साथ फूल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तत्व विचार क्या है, तत्व विचार एक तो दुनिया में रहने का है, तो तुम दुनिया में कैसे रहो, और एक है कि दुनिया से तुमने पार कैसे जाना है। तो पार जाने की तस्वीर मैं आपको बता देता हूँ। आजकल डाइजेस्ट एक किताब निकलती है अंग्रेजी में, उसमें एक मजमून पढ़ा था 2 साल हुए मुझे, डॉक्टरों ने मरने वाले पर, जो मरने वाले थे आदमी, उनको ट्राई एक्सपेरिमेंट किए, एक स्केल पर रखा, मरने वाले को एक बड़े सेंसिटिव तराजू पर रखा, सामने स्क्रीन बनाई जिस तरह सिनेमा में होती है, उसके ऊपर खास मसाला लगाया, तो जब वो आदमी मरा उसकी रूह को उन्होंने उस स्क्रीन पर जाते हुए देखा, मगर साथ ही मरने वाले का जो जिस्म था, किसी का 5 ग्राम, किसी का 10 ग्राम, किसी का 15 ग्राम, किसी का 20 ग्राम, किसी का 25 ग्राम तक उसमें लिखा था किताब में, कम हो गया। जब जान निकल गई तो 5 ग्राम या 10 ग्राम कम हो गया। इससे क्या साबित हुआ? वहां तो सिर्फ इतना लिखा है, मैंने क्या ये लिखा था कि जो चीज बाहर से उसके जिस्म से निकल के गई है वो उतनी पारी है जितना उसका जिस्म घटा। अब जो चीज पारी है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है, जमीन की कशिश जो है, उसको ऊपर नहीं जाने देगी। अजीत सिंह, मैं तुमको सत्संग करा रहा हूं, उसको वो जाने नहीं देगी ग्रेविटी कशिश जमीन की। अब सवाल मैं ये दिल में पैदा करता हूं कि वो पारी क्यों हुई? रूह का सुरज का कोई वजन नहीं, मैं अभ्यास करता हूं, मैं जानता हूं उसका कोई, और कबीर ने भी यही कहा है, वो ऐसा लो तुम ऐसा लो, कैसे कहूं कबीर हो, आगे लिखते हैं, फूल के खुशबू से भी कम वजन है उस तत्व का, और ये ठीक है, मैंने खुद अजमाया। तो जब वो पारा जमीन से तत्व विचार से क्या हुआ कि वो पारा क्यों हुआ? क्योंकि मरने वाले के दिल में किसी न किसी असूल मादे से प्रेम था, औरत असूल मादा, दौलत असूल मादा, भाई असूल मादा, बाप माँ, फकीर गुरु का देह, गुरु का आश्रम, राम जो अयोध्या में पैदा हुआ, कृष्ण जो गोकुल में पैदा हुआ, मोहम्मद जो अरब में पैदा हुआ, ईसा मसीह जो यरूशलेम में पैदा हुआ, नहीं समझ में आती है? जब तक मरने वाला किसी रूप का ध्यान करता हुआ मरेगा, उस रूप को आदमी समझेगा, उसका जो जिस्म जो अंदर से चीज निकलेगी वो भारी होगी। समझ रहा है क्या कहा तुमको? वो भारी होगी, क्योंकि वो भारी होगी, उसने लाख अभ्यास किया हुआ है, लाख शब्द सुने हुए हैं, लाख दान किए हुए हैं, लाख पुण्य किए हुए हैं, लाख धर्मात्मा है, जो कुछ भी किया हुआ है, क्योंकि उसका प्रेम अस्थूल मादा से है, खाए वो अस्थूल मादा गुरु का देह है या गुरु का आश्रम है। यही बात बाबा सावन सिंह कहा करते थे कि जिनको हरिद्वार से प्रेम है वो हरिद्वार की मछलियां बनेंगे। अब मैं कहता हूँ जिनको ब्याज से प्रेम है वो ब्याज की मछलियां बनेंगे।
जिनको होशियारपुर से प्रेम है वो होशियारपुर आएंगे, जिनको अर्ब से प्रेम है वो वहां जाएंगे, जिनको जैसे जैसे भावना जैसी है वैसे वैसे उनको उनका इंजाम जिंदगी होगा। ये है तत्व विचार। तत्व विचार मैंने आपको बता दिया, मालिक का भी और दुनिया का भी। बात समझ, जो कुछ करो सोच समझ के साथ करो। गुरु नाम ज्ञान का है, समझ इस बात से। सत जो स्वामी ने कहा है, बिन सत्संग जो शब्द में पचते वो भी मूर्ख जान। देखो अच्छी तरह आजकल के गुरु में निंदा नहीं करता, ये हमको बताते कुछ नहीं। शब्द 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 गुरु 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 गुरु। अरे बाबा तुम गुरुओं को हार तो देखो, निरंकारी थे। आप मर गया पुत्र को गद्दी दे गया, व्यास वर्ण ने पोते को गद्दी दे दी, और क्या नाम है हंसा ने अपने लड़के को गद्दी दे दी। अरे दुनिया में खुदा परमात्मा इन गुरुओं से हमको भगाए, इन्होंने हमको बेवकूफ बना के लूटा है। सच्ची बात नहीं बताई और मैं इनका कसूर भी नहीं गिनता। हम लोग सच्ची बात सुनने को तैयार नहीं है। तो कबीर कहता है, रागाए क्या पढ़ दिख लाए, का भर में संसारा, का संध्या तर्पण के कीने, का खट कर्म चारा, साधो भजन भेद है न्यारा, जैसे बधिक ओट टाटी के हाथ लिए बिखचारा, ज्यों बक ध्यान धरे घट भीतर अपने अंग विकारा, साधो भजन भेद है न्यारा। अब तुम देखो कबीर कहता है कि बाकी जितने काम हम करते हैं अभी भेद न्यारा है, ये क्या करते हैं? जिस तरह कसाई बकरे को मूर लेता है उसको खूब खुराक खुलाता है कि मोटा हो जाए, और फिर उसको बेच देता है ताकि पैसे ज्यादा आ जाए। यही है जो हम कर्म करते हैं सरदार जी, बैठ जाइए। जो हम कर्म करते हैं इनका हमको फल भोगना पड़ता है। इस वास्ते काल जो है कि जितने हम कर्म करते हैं स्वयं तत्व विचार के, ये सब हमारे कर्म बढ़ते हैं। ये हमारे कर्म जो है ये बढ़ते हैं बढ़ते हैं। तो जिस तरह बदक यानी कसाई बकरे को भूख खुराक देता है, इस तरह ये सब हमसे काम करवाए जाते हैं। तुम किसी को दान देते हो, उम्मीद ये रखते हो कि तुम दान दोगे तो तुमको उसके इवज में दान मिलेगा। वो जो दान देना है वो बद कसाई का काम है, क्योंकि अगर तुम इस नियत से दान देते हो कि दान दोगे तो तुमको फल मिलेगा, माफ करना, तुमको उसको फल लेने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, बच नहीं सकते। इस बात से निष्काम कर्म की आदत है, इसकी सेवा करो माँ बाप की या भाई की या गुरु की, वो निष्काम होनी चाहिए, किसी गर्ज के लिए नहीं होनी चाहिए। क्या मैंने आपको कहा, समझ गए मेरी बात को? बगड़ा होता है पानी में खड़ा रहता है, जितना है भगत बन के जहाँ मछली आई आ गया। ऐसे ही हम लोग, एक आदमी आपको बताता हूँ, हीरा सिंह आजकल वो है ग्वालियर में, उसे एक बात मैं उनको बताई। उसे एक निहंग साधु की 12 साल खिदमत की, निहंग साधु की 12 साल खिदमत की, ऐसा रात खड़ा रहता उसकी टांगे में पड़ता रहता। आखिर में उसका विश्वास कैसे टूटा?